Hi guys, welcome to super quick revision. We have finished 16 lectures till now. 17 lectures start kare, standard costing ka continuation hai, fixed factory overheads. In class also we took I think the maximum time for explaining the variances. Now just before I will start away with this, do remember in the new course wo log zyada tar questions strategy based wo puchhenge, the way that we all have done in class. Okay, obviously aap log ko variances to malum hi hona chahiye, but in exams you are expected to do strategy based questions. Okay, so therefore questions jo hai wo aise aayenge taki you can think from a business angle. Okay, aap log apni case study books read them in a proper way. Okay, do all the case studies, jitna bhi case studies we all have given. Apart from that, jo bhi hamare class ke andar the case studies that we all have done, in around hum logon ne sare chapters to mila ke around 100 case studies ke aas pass wo kiya hua hai. So ensure that you do those kind of case studies please, kyunki wo strategy based hain. New course is not like old course, it is completely a different thing. Okay, it is not calculation based, it is application based. Okay, to chaliye let us start now with the fixed factory overhead variances. Now first thing, like always, fixed factory overheads are dependent on period. Okay, तो कभी भी fixed overheads के variances करते हो तो एक simple चीज याद रखना, पहले सोचो ये question किस time frame का है. एक साल का है तो अगर actual data एक साल का है, standard data एक साल का ही होना चाहिए. अगर actual data 1 month का है तो standard data 1 month का ही होना चाहिए. Now आपके पास दो options होते हैं to solve every question. And what are these two options? Either you solve the question under absorption costing, तभी सम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके ऊपर वो लोग इंडिपेंडेंट सम तो नहीं पूछेंगे, बिकॉज इन एनी केस वहां पर एक ही वेरिएंस आता है, दैट यू ऑल आर अवेयर. ओके, तो सुनो कैसे पता चलेगा सम इज ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग. कभी कभी वो लोग ये लिख देते हैं, कैलकुलेट द वेरिएंसेस अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम. ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. कभी कभी वो लोग ये लिख देते हैं, कैलकुलेट द वेरिएंसेस अंडर रेलेवेंट कॉस्टिंग. रेलेवेंट कॉस्टिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके, तो अगर ऐसा क्लियर वर्ड्स आ गया देन देयर इज नथिंग फॉर मी टू टेल यू. ओके, लेकिन अगर ऐसा क्लियर वर्ड्स नहीं आया तो एक छोटा सा रूल, अगर किधर भी सम के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट दिया हुआ है या फिर पर आर दिया हुआ है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस सम कंपल्सरीली आप लोगों को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ेगा. दैट्स इट, यू हैव टू बी सॉल्विंग इट बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली, नथिंग एल्स. ओके, लेकिन अगर कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड्स लमसम के अंदर दिया हुआ है, ओके, और सम के अंदर कुछ नहीं बोला, तो फिर याद रखना आपकी मर्जी है. यू कैन सॉल्व द वेरिएंसेस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आल्सो, यू कैन सॉल्व द वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आल्सो. तो फिर आपकी मर्जी है, गिवन अ चॉइस मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी इजियर क्योंकि एक ही वेरिएंस आएगा, बट देन इन एनी पर्टिकुलर केस द चॉइस इज योर्स. ठीक है, तो याद रखना अगर सम के ना फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट है यहां पर आर है तो पक्की बात है सम इज ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. अगर लमसम के अंदर है फिर आपकी मर्जी, अगर सम के ना कुछ नहीं दिया तो. ठीक है, अभी अगर आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस सुनो, आपको मैक्स टू मैक्स क्या क्या डेटा की जरूरत है. सपोज ये वाला क्वेश्चन एक साल का है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक साल का है, तो स्टैंडर्ड डेटा या बजटेड डेटा एक साल का, एक्चुअल डेटा एक साल का. कितने आर्स आना चाहिए था, कितने आर्स आए, आइडल टाइम कितना होना चाहिए था, वो हमेशा नील ही होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, कितना हो गया, सॉरी फैक्ट्री कितने डेज खुलना चाहिए था, कितने डेज खुला, कितने आर्स आना चाहिए था, कितने आर्स आए, आइडल टाइम नहीं होना चाहिए था लेकिन आइडल टाइम तो हो गया थोड़ा सा, तो दिस माइनस दिस विल बी गिविंग यू आर्स वर्क. कितने आर्स काम करना चाहिए था, कितने आर्स काम किया, फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना होना चाहिए था, कितना हो गया, आउटपुट कितना बनना चाहिए था, कितना बना. ठीक है, अच्छा एक मर्जी आपकी, लाइक लेबर कॉस्टिंग, आउटपुट कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स. मर्जी आपकी, व्हाट एवर यू विश टू बी डूइंग. ठीक है, अगर आउटपुट यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस हो सकता है यूजुअली से दैट इज बेटर. अगर एक्सप्रेस नहीं हो सकता है देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, दैट्स ओके. आपको मैक्स टू मैक्स 5 एब्जॉर्प्शन रेट्स की जरूरत पड़ेगी. 1 यूनिट इज इक्वल टू सम रुपीज,
So in that particular case, one unit is equal to some rupees, rupees upon units. Okay, uske baad. One unit is equal to some Rs. Yaad rakhna, absorption rates are calculated on the first day. First day aapke paas hai budgeted data ya standard data hi hoega. So one unit is equal to some Rs. To kya karenge beta? It will be Rs upon units. Right hand side upon left hand side. So Rs upon units. Uske baad, one day is equal to some rupees. To kya karne ka? Right hand side upon left hand side. Rupees upon days will give you one day is equal to kitna rupees. One day is equal to kitna hours. So kya jayega beta? Hours upon days will give you that answer. Lastly, one hour is equal to kitna rupees. So one hour is equal to kitna rupees. So kya kar lenge beta? Rupees ye wala figure divided by hours wala figure. Theek hai? Yaad rakhna, ye hours aur ye hours standard data ke andar to same hi hoga hamesha, kyunki standard idle hours are always zero. Theek hai? अगर आप लोग absorption costing कर रहे हो, max to max आपको इतना data चाहिए. एक छोटा सा चीज, अगर some idle hours के बारे में नहीं बताएगा, it is zero. अगर some days का data नहीं देगा, your job will become easier. अगर इसी question के ना days का data नहीं होता तो मैं ये वाला चीज नहीं लिखता, मैं ये वाले दो rates भी नहीं निकालता. ठीक है, तो चलो. Now we have to be seeing which variances will come, but under absorption costing. So I have made a chart where absorption costing bhi hai, marginal costing bhi hai, although currently we are interested in absorption costing. So fixed factory overhead cost variances. Absorption costing idhar hai. Uske andar total fixed overheads cost variance. Uska do part hota hai. Fixed overheads expenditure variance, fixed factory overheads volume variance. Volume variance ka teen part hota hai. Capacity utilization, jisko hum log gross capacity utilization bhi bol dete hain. Uske baad idle time variance aur uske baad efficiency variance. Agar days ka data hai to, if days data is there, तो आपका ये वाला जो वेरिएंस है हम लोग उसका दो पार्ट कर देंगे. कौन सा दो पार्ट? कैलेंडर वेरिएंस एंड नेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वेरिएंस. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं. हर एक वेरिएंस कंप्यूट कैसे होगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस. दिस इफ यू ऑल रिमेंबर, दिस रिप्रेजेंट्स अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन. अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है. कौन सी दो चीजों की? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट और उसके बाद एक्चुअल अमाउंट. ओके, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कैसे मिलता है? एक्चुअल आउटपुट इनटू एब्जॉर्प्शन रेट. तो इधर जरा देखिएगा, ये तुम्हारा फॉर्मेट होगा. एक्चुअल आउटपुट इधर होगा, सपोज इन यूनिट्स, इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. दिस विल बी योर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट. ओके, माइनस इन दिस केस तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट कितना आया, तुम्हारा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑब्वियसली यहां पर तुम लोगों ने लिखा होगा. ओके, बस एक बार ये वाला काम कर लोगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर लेना. कॉमन सेंस है, इफ योर एक्चुअल एक्सपेंस इज मोर देन एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, योर वेरिएंस विल बी एडवर्स. इफ दिस फिगर इज लोअर देन दिस पर्टिकुलर फिगर, इट विल बिकम फेवरेबल. ठीक है, ये हो गया एक चीज. दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, याद रखना दिस इज अ पीरियड बेस्ड वेरिएंस. जब हम लोग ये वाला वेरिएंस सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा इस पीरियड का कितना होना चाहिए था? फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा इस पीरियड का कितना हो गया? दैट्स इट. ओके, सो देयरफॉर यू जस्ट रिक्वायर दीज टू नंबर्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना होना चाहिए था, फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना हो गया. ठीक है, उसके बाद थर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम मतलब आउटपुट. ओके, तो आउटपुट कितना आना चाहिए था, आउटपुट कितना आया. सो देयरफॉर आउटपुट जो है इतना आना चाहिए था, आउटपुट जो है इतना आ गया. लेकिन ये यूनिट्स का फर्क होगा. ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, अज्यूमिंग आउटपुट आप लोगों ने यूनिट्स के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, याद रखना अगर एक्चुअल आउटपुट इज लोअर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, वेरिएंस विल बी एडवर्स. क्यों? अगर आप लोगों ने कम यूनिट्स बनाया तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल राइज, तो वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा. ठीक है, इफ दिस फिगर, if your actual output is more than your standard output, variance will become favorable. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने exactly वही वाला चीज़ लिखा है. Fixed overheads volume variance, standard output in units or standard hours, वो आपकी मर्जी है. Less actual output in units or standard hours into absorption rate. ठीक है, remind you just one thing, अगर actual output ज़्यादा है, variance is favorable. Actual output कम है, so variance will be adverse. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं.
Fourth, fixed overheads gross capacity utilization variance. Yaad karo, ye wala variance socha kaise jata hai? Kitne hours aana chahiye tha? Minus kitne hours aagaye? Okay. यहाँ पे भी वो लिखा है स्टैंडर्ड आर्स टू बी पेड फॉर माइनस एक्चुअल आर्स पेड फॉर ऑब्वियसली रुपीस के ना कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर आर. तो स्क्रीन पे जरा देखो कितने आर्स आना चाहिए था कितने आर्स आ गए. ठीक है, याद रखना इफ दिस फिगर इज मोर देन दिस उसका मतलब वर्कर्स हैव कम टू द फैक्ट्री फॉर मोर आर्स दे विल प्रोड्यूस मोर यूनिट्स फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल फॉल. ठीक है, तो इतने आर्स आना चाहिए था, अगर ज्यादा आर्स आए अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा आर्स आओगे तो ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल बी लोअर, तो वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा. इफ दिस फिगर इज गोइंग टू बी लोअर देन दिस, तो इतने आर्स आना चाहिए था, तुम लोग कम आर्स आए तो कम यूनिट्स बनाओगे, कम यूनिट्स बनाओगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल इंक्रीज, सो वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा. ठीक है, चलो तुम्हारा ये वाला काम हो गया, दिस थिंग इज ऑल डन. उसके बाद ये फोर्थ वेरिएंस का, अगर डेज का डेटा है तो ही, अगर डेज का डेटा है तो ही फोर्थ वेरिएंस का दो पार्ट हो जाएगा. कौन सा दो पार्ट बेटा? 4A एंड 4B. तो यहां पे दो पार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो 4A वाला वेरिएंस है ये क्या है? दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस. ये वाला वेरिएंस कैसे कंप्यूट होता है स्क्रीन पे देखो. कितने डेज फैक्ट्री खुलना चाहिए था, कितने डेज फैक्ट्री खुला, अगर ज्यादा डेज खुला तो तुम लोग ज्यादा आर्स आए, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल बी फॉलिंग, वेरिएंस इन दिस पर्टिकुलर केस विल बिकम फेवरेबल. अगर इतने डेज फैक्ट्री खुलना चाहिए था, अगर कम डेज खुला तो कम आर्स आए, कम यूनिट्स बनाया तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल राइज, वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो कैलेंडर वेरिएंस कंप्यूट कैसे होता है? स्टैंडर्ड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर डी, दैट विल फेच यू योर आंसर. ठीक है, उसके बाद 4B याद रखना, ज्यादातर लोगों को वो वाला चीज भूल जाता है. 4B फिक्स्ड ओवरहेड्स नेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वेरिएंस. बेटा ये कैसे कंप्यूट होता है? स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आर्स पेड फॉर इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आर. उसका मतलब सपोज फैक्ट्री जो है, कुछ भी एक नंबर वो लिख देता हूं, सपोज 250 डेज खुलना चाहिए था. ठीक है, 253 डेज खुला. हम लोग नेट कैपेसिटी वेरिएंस के ना क्या सोच लेते हैं कि चलो फैक्ट्री 253 डेज खुला, 253 डेज के हिसाब से कितने आर्स आना चाहिए था और कितने आर्स आए. ठीक है, बस तो 253 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. वन डे, ये चीज बराबर से देखना, वन डे इज इक्वल टू डैश आवर्स, वो वाला डेटा आपको यहां पे मिल जाएगा. सो 253 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली फिगर से, तो अपने को पता चल जाएगा 253 डेज के अंदर कितने आवर्स आना चाहिए था, और फिर देख लो यहां पर ये वाला डेटा कि कितने आवर्स आ गए. अगर ज्यादा आवर्स के लिए आ गए तो ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल बी फॉलिंग, वेरिएंस विल बिकम फेवरेबल. लेकिन इतने डेज के अंदर अगर इतने आर्स आना चाहिए था, तुम लोग कम आर्स आए तो कम यूनिट्स बनाओगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल बी राइजिंग, तो वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा. ठीक है, दिस इज योर 4B वाला वेरिएंस. ऑफ कोर्स तुम्हारा फोर्थ वेरिएंस विल टैली विद 4A प्लस 4B. ठीक है, चलो ये वाला काम हो गया. उसके बाद फिफ्थ, FOH आइडल टाइम वेरिएंस. इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी देर के बाद भी बोलता हूं, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वेरिएंस. जितना भी एक्चुअल आइडल आवर्स है, स्टैंडर्ड आइडल आवर्स तो जीरो होता है, इनटू एब्जॉर्प्शन रेट, दैट विल फेच यू योर आंसर. सिक्स्थ, FOH एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कंप्यूट होता है? इन दिस केस जितना भी एक्चुअल आउटपुट था उसके लिए कितना आर्स लेना चाहिए था और कितना आर्स लिया, कितना आर्स लिया मतलब एक्चुअल आर्स वर्कड. ओके, तो एक्चुअल आउटपुट सपोज 10,000 यूनिट था, हर यूनिट के लिए 3 आर्स लेना चाहिए था, तो 30,000 आवर्स लेना चाहिए था माइनस कितना आवर्स लिया मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड, सपोज 29,000 दिया, सो वर्कर्स हैव कंप्लीटेड द जॉब फास्टर. ओके, सो देयरफॉर वेरिएंस विल बिकम फेवरेबल. ओके, ऑब्वियसली ये आवर्स का फर्क है मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर. अगर सपोज यहां पे 39,000 होता फिर वेरिएंस एडवर्स हो जाता. ठीक है, चलो सुनो,
Now these are the variances under absorption costing. अच्छा एक disclaimer और वो मर्जी तुम्हारी है. आई से एक note लिख के उस चीज से वो पीछे वो हो गया, वरना correctly सुनो. इस format के अंदर ना हम लोग हमेशा idle hours लिखते हैं. We write down the idle hours over here. अभी एक मर्जी वो तुम्हारी है. Obviously I have written in all your questions hours paid for. Subtract idle hours and then you get hours worked. अभी एक मर्जी वो तुम्हारी है, that if you want you all can be doing. आप लोग hours paid for और idle hours मत लिखो, directly hours worked ही लिख देना. तो तुम्हारे पूरे format के अंदर ना किधर भी फिर यहाँ पर hours paid for और hours और idle hours आएगा ही नहीं. Directly कौन सा hours आ जाएगा? Hours worked. फिर idle time variance कभी compute ही नहीं होगा. ठीक है, अभी ICA उसके लिए क्या बोलता है? That fixed overheads are not absorbed during the idle time. Not that choice is actually left with the company. वो उनकी मर्जी होती है. ओके, तो अगर वैसा भी करने का है I am all okay. फिर तुम्हारा एक variance जो है कम हो जाएगा. ओके, idle time variance नहीं आएगा. और फिर जो तुम्हारा फोर्थ वराइंस था ना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दिस कितने आर्स आना चाहिए था कितने आर्स आए, यू विल बी थिंकिंग कितने आर्स काम करना चाहिए था कितने आर्स काम किया. ठीक है, नाउ दैट चॉइस इज योर्स, इट इज नॉट अ कंपल्सरी ऑप्शन. ओके, ये हो गया तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वराइंसिस. मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द इजिएस्ट वन, उधर ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स आर पीरियड डिपेंडेंट. नो, तो एक ही चीज सोच लेने का, फिक्स्ड ओवरहेड्स का इस पीरियड का खर्चा कितना होना चाहिए था और कितना हो गया. अगर ऐसा करोगे तो एक ही वराइंस आएगा. कौन सा वाला वराइंस? एक्सपेंडिचर वराइंस, दैट्स इट. और कोई वराइंस नहीं आएगा. तो याद रखना यहां पर इतने सारे वराइंसिस आते हैं, लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का भी होगा तो बस एक ही वराइंस आएगा, दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वराइंस. सो गिवन अ चॉइस, याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग इज इजियर, लेकिन शायद ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही फॉलो करना पड़ेगा. जरा सोचो, एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आया जहां पर आपको इतना सारा डेटा दिया हुआ है और उन लोगों ने कुछ नहीं बोला फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग, तो तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं फॉलो कर सकता. वरना वो लोग, तुम लोग को इतना सारा डेटा यार वो थोड़ी देता. ओके, सो देयरफॉर फैक्ट दैट इतना ज्यादा डेटा दिया हुआ है, यू आर सपोज टू बी फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर फिक्स्ड ओवरहेड्स. नाउ फिक्स्ड ओवरहेड्स इज स्लाइटली अ ऑड वन आउट. ओके, सो आई होप दैट दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू रिवाइज व्हाट यू ऑल हैव डन इन क्लास. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी ऑल अबाउट आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेल्स वेरिएंसेस.